हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए बच्चों, मैं इस वाली वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं भारत में संवैधानिक विकास की। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहां से काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। और दूसरी बात, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, पिट इंडिया एक्ट हुआ, या उसके बाद जितने भी भारत शासन अधिनियम आए, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम एक एक करके कंटिन्यू सब में बात करेंगे, ठीक है, और शुरुआत से समझेंगे किस प्रकार से, किस किस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास हुआ, किस किस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था और कैसे कैसे समय से परिवर्तन हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ। संविधान तो आप जानते ही हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, और जब हम आज़ाद हुए तो तब तक जो है वो आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, और 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन हमारा संविधान हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, लेकिन उससे पहले किस प्रकार से भारत में शासन व्यवस्था चलती थी, भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किस कानून व्यवस्था के तहत रहते हुए भारत में किस प्रकार से अपना शासन किया, तो वो हम सब आज देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भारत में संवैधानिक विकास रहा, तो ये संवैधानिक विकास दो चरणों में देखा जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को शुरू किया, तो प्रारंभ में तो अधिकार जो था कंपनी पर वो ब्रिटिश क्राउन का नहीं था। पहले कंपनी कुछ अधिकार कंपनी के पास स्वायत्त रूप से थे, और जहाँ पर संसद के द्वारा कुछ नीति निर्माण का कार्य किया जाता था, और उसके बाद में फिर पूरे का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो दो चरणों में हम देख सकते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, और ये हम बात करेंगे आपका सन 1773 से लेकर के सन 1857 तक, क्योंकि आप जानते हैं 1857 में जब क्रांति हुई थी, 1857 का जब विप्लव हुआ था, एक बड़ी क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में पूरी की पूरी भारत शासन व्यवस्था जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। तो फिर संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में, नीति निर्माण में जो प्रमुख योगदान रहा वो वहाँ के सम्राट का रहा। एक मैं कह सकता हूँ ब्रिटिश क्राउन के समय या सम्राट के समय विकास। तो क्या क्या चीजें हमारे सामने आई हैं, देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रहा, तो उस समय जो हमारे सामने एक्ट आए हैं वो एक आया है 1773 का, जिसे जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसी में एक संशोधन किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जो 1781 में आया था, इसे जाना जाता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। आप साथ साथ जो है लिखते रहिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद में जो आता है इंपॉर्टेंट एक्ट वो है 1784 का, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में एक 1793 का चार्टर है। उसके बाद 1813 का चार्टर, उसके बाद 1833 का चार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और रहा आपका 1853 का एक्ट, 1853 का चार्टर। और इसके बाद आप जानते हैं कि फिर 1857 से भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। तो उसके बाद में जो भी भारत में नीतियां आती हैं तो वो अधिनियम के नाम से जानी गई, जैसे
1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया या भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम इन्हें इस नाम से ही क्यों जाना जा रहा है वो साथ साथ हम बात करेंगे। उसके बाद एक 1892 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। उसके बाद एक 1909 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया। इसके बाद 1919 में एक भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया, चेम्सफोर्ड एक्ट। ये जो नाम है मार्ले मिंटो एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, एक्चुअली इस समय जो थे जैसे मार्ले सचिव थे भारतीय सचिव और मिंटो वायसराय थे, तो उन्हीं के नाम को मिला करके इनका नाम रखा गया। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है जिसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद में मैं बात करूँगा आपसे अगस्त प्रस्ताव की, इसी के बाद में बात करूँगा क्रिप्स मिशन की, और इसी के बाद में बात करूँगा मैं कैबिनेट मिशन की, और फिर उसके बाद लास्ट माउंटबेटन योजना, और उसके चलते हमारा पूरा संवैधानिक विकास की जो प्रोसेस है वो हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो पहली हमें बात करनी है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, पहली बात तो ये आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था, क्या सिस्टम था, तो इसमें हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे बताऊं, सन 1600 में एक राजलेख जारी किया गया था। सबसे पहले जब कंपनी की स्थापना हुई तो उसके समय सन 1600 में एक राजलेख जारी किया गया, और ये राजलेख जो जारी किया गया था वो ब्रिटेन की महारानी एलिजावेथ के द्वारा किया गया था। एलिजावेथ फर्स्ट थी, ये एलिजावेथ फर्स्ट, इनके द्वारा एक राजलेख जारी किया गया, और इसी में 31 दिसंबर सन 1600 को इस कंपनी की स्थापना होने के साथ साथ ही इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जो शुरू में अनुमति मिली थी वो 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, अब सिस्टम क्या था इस बात को समझिएगा। देखिए, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय कंपनी में कुल मिलाकर के 217 भागीदार थे। मतलब ऐसे नहीं था कि ब्रिटेन में किसी एक व्यक्ति की कोई कंपनी थी, नहीं, बहुत सारे लोग इच्छा रख रहे थे कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगीज थे, तो जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ तो बड़े पैमाने पर उन देशों ने मुनाफा कमाया, और उस जो मुनाफा वो कमा रहे थे वो बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते यूरोप के मैक्सिमम देशों की ऐसी अनेक कंपनियाँ थी, ऐसे अनेक वहाँ के इन्वेस्टर थे जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पर क्या किया, ब्रिटेन में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इन्वेस्ट करना चाहते थे इस व्यापार में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर थे ये इन सबको मिला करके एक ही कंपनी बना दी गई, और वो आप जानते थे उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कुल मिला करके ये जो लोग थे ये 217 लोग थे, तो इन लोगों को मिला करके एक काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई। ठीक है, एक परिषद का निर्माण किया गया। मैं आपसे बता दूं कि कुल मिलाकर के दो संगठन थे जो नियंत्रण रख रहे थे कंपनी की गतिविधियों पे,
एक तो था आपका जिसे कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ये जो बना हुआ था, ये बना हुआ था इन 217 भागीदारी लोगों के से, अर्थात जो 217 इन्वेस्टर थे इनसे मिलकर के ये बना हुआ था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब यहीं से इन्हीं लोगों के द्वारा एक बनता था जिसे बोला जाता था निदेशक मंडल। निदेशक होते हैं डायरेक्टर, निदेशक मंडल एक बनता था, और ये जो निदेशक मंडल होता था, इस निदेशक मंडल में कुल मिलाकर के 24 सदस्य होते थे। 24 सदस्य, इनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कुल मिलाकर के दो संस्थाएं प्रमुख रूप से काम कर रही थीं। एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था जिसमें 217 भागीदार शामिल थे, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसके सदस्य इन्हीं लोगों के द्वारा चुने जाते थे, और जिसमें कुल मिलाकर के 24 सदस्य होते थे, और इन 24 सदस्यों में से एक आपका अध्यक्ष होता था और एक आपका उपाध्यक्ष होता था। और ये जो अध्यक्ष होता था ये ही प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता था, मैं कह सकता हूँ ये ही आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता था इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ये जो अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से जो नियंत्रण था कंपनी पर वो था इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से चुन के आते थे, ये आते थे आपका कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से। और ये कौन थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना इन्वेस्ट कर रखा था कंपनी में, अर्थात जो कंपनी के शेयर धारक थे, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद रखे थे। और जो एक बात थी वो बात ये थी कि जो इनका कार्यकाल हुआ करता था 24 सदस्यों का, ये कार्यकाल एक वर्ष का था, मतलब प्रारंभ में इसको एक वर्ष रखा गया था। एक वर्ष के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से ये लोग चुने जाते थे, और उसके बाद में फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फिर से अगली बार जो है वो ये सदस्य हट करके नए सदस्य चुने जाते थे। तो एक पूरा एक तरीका चल रहा था जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के आपके सभी सदस्य थे लगभग, जो जिनके ज़्यादातर शेयर होते थे उनको मौका मिलता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में आने का। तो ये व्यवस्था इस तरीके से कंपनी की चल रही थी। अब क्या हुआ, हुआ ये कि जितने भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं अपने हितों को, अपने स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए अपने निजी व्यापार को बढ़ावा देने लगे, अर्थात उनमें कंपनी के प्रति तो निष्ठा धीरे धीरे कम आने लगी। साथ ही साथ वो लोग क्या करने लगे, वो अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, बिना लाइसेंस के बिना किसी चीज़ के वो अपना निजी व्यापार करने लगे, और व्यक्तिगत रूप से वो मुनाफा कमाने लगे। जब ये स्थिति हुई तो ऐसी ये वाली बात जो है वो ब्रिटेन में भी पहुंची, ब्रिटेन के संसद में भी उठी। और ऐसे में जो ब्रिटेन की संसद में जो नॉर्थवुक थे उनके द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम था गुप्त समिति। तो एक गुप्त समिति बनाई गई इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कि जो कंपनी है उससे प्रॉपर हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, रीज़न क्या था, जो कर्मचारी थे वो अपनी निष्ठा से काम कंपनी के प्रति ना कर करके अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए कर रहे थे। तो ऐसे में जो गुप्त समिति की रिपोर्ट आती है, उस गुप्त समिति की रिपोर्ट में सब चीज़ें ओपन की गई, और इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए, अर्थात कंपनी में चल रहे इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम था ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब बात आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो क्या क्या चीज़ें लाई गईं जिसके तहत ये भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, वो कौन कौन से प्रयास किए, इस पर अब हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो देखिए मैं आपसे बताता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया सन 1773 में। और देखिए जो कंपनी थी इस समय, कंपनी मुख्यतः दो जगह पर काम कर रही थी, एक तो काम कर रही थी वो भारत में, और दूसरी वो काम कर रही थी आपकी इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में कंपनी का जो भाग काम कर रहा था वो कर रहा था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पर भारत में वो कंपनी के वो सभी कर्मचारी जितने भी लोक सेवक थे वो सब यहाँ पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, जो भी कंपनी को अपनी सेवा दे रहे थे। तो दो जगह कंपनी काम कर रही थी, एक भारत में और एक इंग्लैंड में। तो ये क्या क्या परिवर्तन किए गए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड में क्या परिवर्तन किया गया। तो देखिए मैं आपसे बताता हूँ, इंग्लैंड में जो परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन किया गया आपका मेनली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में।
अर्थात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल था उसमें परिवर्तन किया गया। और वो क्या परिवर्तन किया गया वो समझिएगा। सबसे पहली बात, अभी तक इनका जो कार्यकाल हुआ करता था वो हुआ करता था आपका एक वर्ष का। मैंने भी आपसे बताया था कि कार्यकाल होता था एक वर्ष का, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस एक वर्ष के कार्यकाल को परिवर्तित कर दिया गया। अब जो कार्यकाल कर दिया गया वो कर दिया गया 4 वर्ष। और साथ ही साथ एक और परिवर्तन किया गया, अब कहा गया कि पूरे का पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ भंग नहीं होगा। अर्थात अब ऐसा नहीं होगा कि सब सदस्य बाहर चले जाएंगे, नहीं होगा क्या कि प्रतिवर्ष मतलब हर एक वर्ष सालाना रूप से 1/4 सदस्य बाहर जाएंगे और साथ ही साथ 1/4 सदस्य चुन लिए जाएंगे। मतलब ये कुछ इस प्रकार की पद्धति थी जिस प्रकार की आज के समय में राज्यसभा या विधान परिषदों के चुनावों में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा राज्यसभा हो या विधान परिषद, ये कभी भी एक साथ भंग नहीं होते हैं। समय समय पर इनसे सदस्य बाहर जाते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य बाहर चले जाते हैं और नए सदस्य जो है वो आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है। यहाँ भी कुछ यही प्रावधान था कि 4 वर्ष के लिए इसका गठन होता था। मतलब कि 4 वर्ष के लिए गठन का मतलब ये था कि एक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था और हर वर्ष 1/4 सदस्य निकल जाते थे। तो हर वर्ष 1/4 सदस्य जब निकलते थे तो ऐसे में मान लीजिए जो इस वर्ष 1/4 सदस्य नियुक्त हुए हैं तो उनका नंबर जो आएगा वो कब आएगा, 4 साल बाद। मतलब जब उनका कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा हो जाएगा तभी वो निकलते थे। एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया। इसके अलावा एक और परिवर्तन ये किया गया, मैंने आपसे बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य आते थे वो कहाँ से आते थे आपके, वो आते थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स से, प्रोपराइटर्स से। तो होता क्या था, इसमें भी ये निश्चित किया गया कि भाई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनने के लिए जो व्यक्ति मतदान करेगा अर्थात जो मतदाता होगा उस मतदाता के लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि वो 1 वर्ष पहले से कम 1,000 पाउंड का शेयर धारक हो कंपनी में। मतलब कि उसकी शेयर होल्डिंग कम से कम कितने की हो, 1,000 पाउंड की हो। इससे पहले ये 1,000 नहीं था, उससे पहले क्या था, ये 500 पाउंड था। तो ये मतदान एक तरीके से मैं कह दूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने के लिए जो मतदाता थे कि वो ज़्यादा ऐसे ही लोग जो है वो मतदान करें जिनका एक बड़ा योगदान है कंपनी की शेयर होल्डिंग में, तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया जिससे सीरियस लोग जो हैं वो आएँ, ठीक है, जो कंपनी के बारे में ज़्यादातर सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको ही होगा जिन लोगों की ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। तो ऐसे में जब वही लोग चुनेंगे तो जितने भी लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे वो सब भलाई चाहेंगे जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। तो एक तो ये परिवर्तन किया गया। इसके अलावा भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो भारत में ये परिवर्तन देखने के लिए मिला, पहले समझिए भारत में पहले की स्थिति क्या थी। भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, एक तो हो गया था आपका बंगाल, दूसरा आपका बंबई और तीसरा आपका मद्रास। और आप जानते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में ही, तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर का पद हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पर भी गवर्नर होता था, यहाँ पर भी गवर्नर होता था और यहाँ पर भी गवर्नर होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बड़ा कार्य किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का अब गवर्नर ना कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। और एक बात और की गई कि ये जो गवर्नर जनरल था इस गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी इसके अधीन कर दिया गया। मतलब समझिएगा एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया, और साथ ही साथ जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको भी किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसके साथ एक काम और किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसके लिए एक परिषद बनाई गई कि ये जितने भी निर्णय लेगा या जितने भी ये फैसले लेगा इन सब फैसलों में इसका योगदान ये परिषद करेगी। और इस परिषद में कुल सदस्य कितने रखे गए, 4 सदस्य रखे गए। तो आप सोचिए, एक तो आपका गवर्नर जनरल हो गया और 4 इस परिषद के सदस्य हो गए। इस प्रकार से ये 5 लोग आपसी बहुमत के आधार पर मिलकर के भारत में कंपनी के विषय में जो है वो निर्णय लेने लगे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल का बना था तो उसका आपने नाम सुना ही होगा, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और जो 4 सबसे पहले सदस्य नियुक्त हुए थे मैं उनके भी नाम आपको बता दे रहा हूं, जो वो 4 सदस्य, तो ये 4 नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ।
जो चार अन्य परिषद में सदस्य थे, चार सदस्य उनके नाम, तो देखिए एक जिनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, ये आप नाम लिख सकते हैं, और जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इस अभी फैक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी पूछ सकता है, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, तीसरा नाम था मानसन, और एक लास्ट नाम जिसका नाम था वरवेल, वरवेल। तो इस तरीके से ये चार लोग, एक है फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और वरवेल, ये चार सदस्य थे वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल निर्णय लेगा वो इनके बहुमत के आधार पर लेगा, हालांकि आगे चलकर के गवर्नर जनरल के इस निर्णय को परिषद के निर्णय पर हावी बना दिया गया था। खैर, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बड़े परिवर्तन किए गए इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में और भारत में गवर्नर जनरल के लिए। ये तो कुछ प्रावधान थे जो कंपनी से जुड़े किए गए, इसके साथ साथ कुछ और भी प्रावधान किए गए, कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए। वो क्या क्या प्रावधान थे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में जो एक अन्य प्रावधान किया गया, वो किया गया एक सर्वोच्च न्यायालय का, अर्थात इसमें बात की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के एक्ट में कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो इसके चलते सन 1774 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, अर्थात एक तो मेन जो चीफ जस्टिस थे, और प्लस तीन अन्य, काफ़ी बार इनके नाम पूछ लेता है। तो मैं बता दूं कि जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, और जो अन्य थे, तीन अन्य सदस्यों में जो नाम आता है वो आता है एक चैम्बर्स, नंबर एक, नंबर दो लिमेस्टर, और नंबर तीन हाइड। तो तीन न्यायाधीश ये थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, और एक मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्पे। तो एक सर्वोच्च न्यायालय की बात भी की गई इस रेगुलेटिंग एक्ट में, और उसके चलते 1774 में ये एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई। इसके अलावा एक बात और कही गई, वो ये कही गई कि कंपनी के बारे में जो कुछ भी बातें होंगी, जितने भी कंपनी के दीवानी मामले हैं, यानी जो भी मामले हैं कंपनी के भारत में, उन सब की समस्त जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने पास लेगा, और अपने पास लेने के बाद इस जानकारी से किसको रूबरू कराएगा, आपका संसद को, अर्थात जो ब्रिटिश संसद है वो उसको पूरी जानकारी वो वहाँ पर पहुँचाएगा। और इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और कही गई, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं उनमें से कोई भी कर्मचारी अपने लिए अपना व्यक्तिगत निजी व्यापार नहीं करेगा बिना लाइसेंस लिए हुए, अर्थात या तो उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा तब वो ऐसा व्यापार कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ तक भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी किसी भारतीय से किसी प्रकार की कोई रिश्वत या उपहार वगैरह भी प्राप्त नहीं करेगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आप अगर ये इतनी चीज़ें समझ गए हो तो आप इसको एक तरीके से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी, कि आप रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के उसके बारे में 50 शब्द या 60 शब्द लिख लीजिए, क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पीसीएस की तैयारी में भी जुड़े हुए होंगे, हालांकि डायरेक्ट पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जो है जब धीरे धीरे आपको सब चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, तो कल के दिन को मे बी मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए संवैधानिक विकास को लेकर के, कि वो 1600 से ही पूछ ले कि 1600 से किस प्रकार से भारतीय संविधान की ये पूरी एक जो यात्रा थी वो किस प्रकार पूरी हुई, कैसे कैसे ब्रिटिश शासन के अधीन अनेक एक्टों में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आप जरूर करेंगे। खैर, तो इस तरीके से ये हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो प्रमुख एक्ट है उसका नाम है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हालांकि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो एक एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले तो सन 1773 में कंपनी के जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उनकी भ्रष्टता को दूर करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद में एक तरीके से संशोधन, मान लीजिए कि कुछ संशोधन किया गया इस एक्ट में, ठीक है, तो एक संशोधन एक्ट था और इसे जाना जाता है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ध्यान रखिए इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है आपका बंगाल जुडिकेचर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या प्रमुख रूप से प्रावधान थे उसको समझिएगा। देखिए, इसमें जो एक सबसे प्रमुख प्रावधान किया गया वो प्रमुख प्रावधान ये था कि जो कलकत्ता की सरकार थी, देखिए जो कलकत्ता की सरकार थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कलकत्ता की सरकार थी वही कलकत्ता की सरकार यही जो है वो नीतियां बनाती थी बंगाल के लिए, अर्थात बंगाल के लिए जो भी विधि बनाने का काम था वो कलकत्ता सरकार का था। इसमें क्या किया गया कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसमें यह कहा गया कि अब जो बिहार है, ठीक है, और उड़ीसा है, बिहार और उड़ीसा, इन बिहार और उड़ीसा के लिए भी अब जो कानून का निर्माण करेगी वो कौन करेगी, ये कलकत्ता सरकार ही करेगी। मतलब एक बड़ा परिवर्तन ये देखने के लिए मिला कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाने के बाद में जो अलग अलग क्षेत्रों में विधि निर्माण की प्रक्रिया थी वो विधि निर्माण की प्रक्रिया दो चीज़ों से संचालित होने लगी, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और एक दूसरी आपका इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। मैंने बताया कि अब बंगाल के लिए कलकत्ता सरकार जो कानून का निर्माण करती थी, विधि का निर्माण करती थी, वो करती थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ये प्रावधान भी कर दिया गया कि बिहार और उड़ीसा के लिए भी जो कानून का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपका कलकत्ता की सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसमें ये बात तो की गई थी कलकत्ता सरकार जो थी वो केवल बंगाल के लिए नहीं बल्कि अब बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि का निर्माण करेगी। इसके लिए एक बात और आई सामने जुडिशरी के लिए कि देखिए, आपको बताया 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, ये और कहा गया न्यायालय से कि जो न्यायालय के जितने भी आदेश होंगे उन आदेशों में खासकर ये ध्यान रखा जाए कि जो भी भारत में धार्मिक स्थिति है, भारत के जो भी रीति रिवाज हैं, वो कोई सा भी फैसला या आदेश उन रीति रिवाजों के खिलाफ ना हो। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार इस एक्ट में जो है वो भारत की जो धार्मिक अवस्थाएं थी और साथ ही साथ जो रीति रिवाज के तरीके थे उनको भी ध्यान में रखने की बात की गई थी इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो दो प्रमुख चीज़ें थी, एक ये और एक दूसरी आपकी भारत में जो धार्मिक स्थिति थी और साथ ही साथ रीति रिवाज थे उनको भी बनाए रखने की बात की गई थी। अब जो अगला एक्ट है, दूसरा प्रमुख एक्ट, ठीक है, वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो अगली मैं आपसे जो बात करूंगा वो बात करूंगा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको साथ में जो आप कमेंट में बताते हैं उसको भी आपको मैं बताता चलूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैं बता दूं। खैर, अगला जो एक्ट है तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका, उसके बाद सन 1781 का जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया वो हो चुका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद सन 1784 में एक प्रमुख रूप से एक्ट आता है और इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इम्पोर्टेंट है ये पिट्स इंडिया एक्ट और क्या इसके तहत किया गया समझिएगा। देखिए, ये वो एक्ट है जिसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने अपने क्षेत्रों पर दावा किया हो, मतलब इसके पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये कहीं ना कहीं झलक जाता है कि कहीं ना कहीं भारत में जिन क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार हो चुका था उन पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार है। ये किस तरीके से झलका इस बात को थोड़ा समझिएगा, क्या किया गया। देखिए, हुआ ये कि इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा कार्य ये किया गया कि कंपनी में दो प्रकार की चीज़ें होती थी, कंपनी के दो प्रकार के काम होते थे, एक तो व्यापारिक काम
अर्थात भारत में व्यापार करने का काम कंपनी कर रही थी, व्यापार करके मुनाफा कमा रही थी। और साथ ही साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि भारत में राजनीतिक स्थिति भी कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी जो थी वो राजनीतिक कार्यों को भी संचालित कर रही थी, और व्यापारिक कार्यों के उद्देश्य तो कंपनी गई थी, तो ये कार्य तो किए ही जा रहे थे। अभी तक क्या था कि जो कंपनी पर एक तरीके का कंट्रोल था, तो वो किसका था? आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। लेकिन अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि इन दोनों को अलग कर दिया गया, व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक को अलग कर दिया गया। किस प्रकार से अलग किया गया? देखिए, बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, अब उसका नियंत्रण राजनीतिक कार्यों पर नहीं होगा। इस पर नियंत्रण के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा। अब केवल और केवल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका नियंत्रण किस पर होगा? केवल कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर, अर्थात कंपनी का क्या व्यापार है, किस चीज़ का व्यापार करती है, कितना मुनाफा कमाती है, उन सब चीज़ों का नियंत्रण पूरे का पूरा परीक्षण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। तो बात है कि फिर राजनीतिक कृत्यों का नियंत्रण और उसका परीक्षण कौन करेगा? तो उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट में एक नई बात की गई, और वो की गई आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या इसे कहा गया नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक कृत्यों और राजनीतिक कृत्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो व्यापारिक कार्य थे, उनका निरीक्षण या नियंत्रण किसे सौंपा गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, पहले भी था, लेकिन राजनीतिक कृत्यों का नियंत्रण और प्रशिक्षण किसके पास छोड़ा गया? वो छोड़ा गया आपका नियंत्रक मंडल के पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। संरचना क्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यों की व्यवस्था की गई कि इसमें कितने सदस्य होंगे आपके, 6 सदस्य होंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि इन 6 सदस्यों को किसके अधीन रखा गया? सम्राट के अधीन रखा गया। अब समझिए आप मेरी बात जो मैंने आपसे शुरू में बोली थी कि ये वो पहला एक्ट था जो कहीं ना कहीं ये दर्शा दे रहा था कि भारत में वो क्षेत्र जहां पर कंपनी राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में ले रखी है कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जा रही है। पूर्णतः क्राउन के हाथों में जो शासन व्यवस्था आई है, वो आई है 1857 की क्रांति के बाद 1858 से। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट से भी ऐसे ही कुछ प्रावधान शुरू हो गए, जहां मैं कह सकता हूं कि संसद या क्राउन का एक तरीके से नियंत्रण कंपनी पर ज्यादा होता चला गया। तो इसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया, और 6 सदस्यों पर जो नियंत्रण था वो किसका था? सम्राट का था। अर्थात नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी? सम्राट के द्वारा। या फिर इनको हटाया भी किसके द्वारा जाएगा? हटाया भी किसके द्वारा जाएगा? सम्राट के ही द्वारा। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 सदस्यों थे, इन 6 सदस्यों में से ऐसा प्रावधान किया गया कि एक तो जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री होगा, मतलब कि जो वहां पर आर्थिक रूप से जो मंत्री होगा, ठीक है, वो अर्थात चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है, एक बोला गया कि कौन होगा? विदेश सचिव, जो वहां का विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। और बाकी जो 4 सदस्य होंगे, ये होंगे वहां की प्रीवी काउंसिल से। आप जानते हैं कि वहां पर एक प्रीवी काउंसिल होती थी। और आपसे एक बात और मैं आपसे बता दूं कि जो भारत में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय था। लेकिन अगर इस न्यायालय के विरुद्ध भी अगर किसी को अपील करनी थी, तो ऐसे में ऐसी अपील केवल कहां पर की जा सकती थी? लंदन में प्रीवी काउंसिल में ही की जा सकती थी। तो सम्राट इन 6 सदस्यों को जो चुनते थे, वो किस प्रकार से? 4 तो चुने जाते थे प्रीवी काउंसिल से, और एक होता था आपका चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और एक जो होता था वो होता था वहां का जो विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी होता था। तो इस तरीके से इन 6 सदस्यों से मिलकर के क्या बनाया गया? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और जितनी भी कंपनी की राजनीतिक
दशाएं थी वो सब किसके अधीन कर दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दी गई। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं कंपनी में एक दोहरा शासन लाया गया, जहां पर कंपनी के व्यापारिक कृत्यों को जो देख रहा था, नियंत्रण रख रहा था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रख रहा था, और जो कंपनी के राजनीतिक कृत्यों पर नियंत्रण रख रहा था वो रख रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे किसके तहत स्थापित किया गया आपका, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही किया गया। इसके अलावा इस पिट्स इंडिया एक्ट में और क्या क्या परिवर्तन किए गए वो समझिएगा। आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? एक तो गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद में सदस्य कितने थे? चार थे। इन चार की सदस्यों की संख्या को कम करके कितना कर दिया गया? तीन कर दिया गया। तो जो सबसे पहली बार संख्या घटाई गई है गवर्नर जनरल की परिषद में, वो कब घटाई गई है? इस पिट्स इंडिया एक्ट में चार से घटा के कितना कर दिया गया है आपका? तीन कर दिया गया। एक बड़ी बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था तीन बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बंबई। और यहां पर शुरुआत में तो क्या होता था, यहाँ के गवर्नर होते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और यहाँ के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट से एक बात और की गई कि जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं, इनके लिए भी क्या किया गया है, एक परिषद की व्यवस्था की गई कि इनके लिए भी एक परिषद होगी, और उस परिषद में कितने सदस्य होंगे? तीन सदस्य होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब केवल बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए ही एक परिषद नहीं थी, बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में तो चार सदस्यों से तीन सदस्य कर दिए गए थे, साथ ही साथ जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी वहां पर भी वहां के गवर्नरों की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के लिए उनकी परिषद में भी तीन तीन सदस्यों का निर्माण किया गया, अर्थात उनकी परिषद बनाई गई जिसमें तीन तीन सदस्य थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है, जो याद रखिएगा, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे तीन एक्ट हो चुके हैं, एक तो 1773 का एक्ट हो चुका है, एक 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और एक आपका 1784 का जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट था वो एक्ट था आपका सन 1813 का एक्ट, या मैं कहूँ 1813 का चार्टर। तो इससे अगला जो है वो है आपका 1813 का चार्टर, ठीक है। तो देखिएगा क्या हुआ इसके बारे में, 1813 में चार्टर में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। आगे 1813 के चार्टर में क्या परिवर्तन हुआ, तो मेरी बात को समझिएगा। देखिए, स्थिति क्या बनी हुई थी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, इसलिए मैं एक छोटा सा वर्ड मैप बना ले रहा हूँ जिससे कि स्थिति क्लियर हो जाए कुछ। ठीक है, जैसे भी ये सही है। देखिएगा, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर है ब्रिटेन अवस्थित, ठीक है, ये ब्रिटेन नीचे इसके फ्रांस है, और यहाँ पर है ये इंडिया अवस्थित। स्थिति क्या थी कंपनी की? देखिए, कंपनी ने हमेशा एक जैसा कार्य नहीं करा, कंपनी ने शुरुआती दौर में क्या करा, कंपनी शुरुआती दौर में यहाँ से तैयार माल लेकर के जाती थी यूरोप में, और उसके बाद यूरोप में उसे बेच करके भारी मुनाफा कमाती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, यूरोप की स्थिति चेंज होने लगी। हुआ क्या कि यूरोपीय क्षेत्र में धीरे धीरे मशीनीकरण का विकास हुआ, अर्थात मैं कहूँ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। जब वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ तो अब इस स्थिति में क्या था कि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो भारत से तैयार माल यूरोप में लेकर के आए, क्योंकि यूरोप में तो मशीनीकरण हो चुका था। अब वो चाहते थे कि भारत जैसे क्षेत्रों से कच्चा माल लाया जाए, तो ऐसे में प्रक्रिया शुरू हुई वहाँ से कच्चा माल लेकर के आने की। तो अब क्या होता था, यहाँ से कच्चा माल लेकर के जाया जाता था भारत से, और उसके बाद उसे तैयार किया जाता था, और तैयार करने के बाद उसे दोबारा भारत में बेच दिया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण से पहले की स्थिति क्या थी? औद्योगिकरण से पहले स्थिति ये होती थी कि जो अंग्रेज थे वो भारत में ही भू राजस्व वसूलते थे, अपना कलेक्शन करते थे, और इस कलेक्शन के बाद यहाँ की सस्ती वस्तुएं खरीद करके वहाँ पर भारी दाम में यूरोप में बेचा करते थे। आप जानते हैं कि जब 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ का चार्टर राजलेख प्राप्त हुआ था कंपनी को, तो ऐसे में कंपनी को एक मोनोपोली दी गई थी, एकाधिकार दिया गया था। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के 217 भागीदार थे, और ये जो 217 भागीदार थे
इन भागीदारों को एकजुट इसलिए ही किया गया था कि आपस में कंपटीशन में नुकसान ना हो, मतलब कि कंपनी की अगर एकाधिकार रहेगा, एक ही कंपनी रहेगी व्यापार करने वाली, तो ऐसे में वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगी। तो जब से लेकर के 1813 तक कंपनी का एकाधिकार रहा। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हुई। यूरोप की स्थिति परिवर्तित ये हुई कि अब अंग्रेज ये चाहते थे कि बड़े से बड़े पैमाने पर भारत से कच्चा माल लाया जाए यूरोप में। अब जब बड़े से बड़े पैमाने पर कच्चा माल यूरोप लेकर के आना है, तो ऐसे में केवल एक ही कंपनी नहीं कर सकती ये काम, इसके लिए ज़रूरत है कि और भी लोग ऐसा काम कर पाएं, अर्थात अब दूसरे लोगों की भी आवश्यकता थी। तो इसलिए अब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता थी, और यही किया गया एक सबसे बड़ा काम 1813 में, और वो ये था कि इसमें कंपनी की मोनोपोली को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अर्थात पहले केवल अधिकार जो था व्यापार करने का वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और अब क्या किया गया 1813 के एक्ट के द्वारा इस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन मैं आपसे बता दूं, ये जिस एकाधिकार की समाप्ति की गई, ये पूर्ण एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। दो चीज़ों पर फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। एक तो कि चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और साथ ही साथ चाय का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब कि यदि और कोई इंग्लैंड की और कोई कंपनी अगर व्यापार की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा में आती है, तो वो ये दोनों कार्य नहीं करेगी। हालांकि इनको जाकर के इससे अगले एक्ट में, जो 20 साल बाद आया है 1833 में, उस एक्ट में इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल तो इसके तहत सभी एकाधिकारों को समाप्त किया गया, लेकिन दो एकाधिकार बने रहे। तो 1813 के एक्ट में ये एक बड़ा परिवर्तन था जो किया गया, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस बात पर। इसके अलावा और क्या क्या किया गया समझिएगा। इसके अलावा कंटिन्यू ये मांग चल रही थी कि ईसाई मिशनरियाँ जो होती हैं उन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाए। तो ईसाई मिशनरियों को जो धर्म प्रचार के लिए भारत में अनुमति दी गई, वो भी किस के तहत दी गई, आपका इसी एक्ट के तहत दी गई। तो एक और इस एक्ट की बात थी, और वो थी जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा, धर्म प्रचार की अनुमति, ठीक है, एक ही चीज भी इंपॉर्टेंट थी इस एक्ट की। तो ध्यान रखिएगा, दो काम प्रमुख रूप से हुए। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, केवल चीन चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का रह गया था, और जो ईसाई मिशनरियाँ थी, अर्थात जो ईसाई धर्म प्रचारक थे यूरोप में, तो वो भी अनुमति मांग रहे थे कि भारत में भी ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, और इस एक्ट के तहत उन्हें लीगल कर दिया गया, अर्थात अब उन्हें ब्रिटिश संसद से भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। मैं आपसे बता दूं, भारत में बड़े पैमाने पर शिक्षा को लेकर के भी एक मांग चल रही थी कि अंग्रेज लोग शिक्षा पर प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे बता दूं, भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ है वो हुआ अंग्रेज़ों की वजह से ही है। लेकिन मैं कहूं कि अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा का प्रसार इसलिए किया क्योंकि वो भारतीयों को बुद्धिमान बनाना चाहते थे, भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, तो शायद ये कहना उतना अच्छा नहीं होगा। रियल में अंग्रेज जो थे वो हमेशा अपने हितों को पूरा करने के वशीभूत ही रहते थे, और उसी के कारण उन्होंने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ही भारत में ये क्लर्क बनाने की प्रोसेस शुरू करी, और इसके तहत ही उन्होंने उस स्तर तक लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी, उन लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करी कि जिससे कि भारतीय लोग उनके काम आ सके। फिर भी ये 1813 का एक्ट वो एक्ट था जिसमें सबसे पहली बार शिक्षा के लिए खर्च की बात की गई। सबसे पहली बार इस एक्ट में शिक्षा के लिए खर्च की बात की गई थी, और इस एक्ट में जो शिक्षा के लिए खर्च की बात की गई थी वो कितनी बात की गई थी, 1,00,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1,00,000 रुपये शिक्षा के लिए खर्च की जो बात की गई थी, वो भी किसके तहत की गई थी, आपकी इस 1813 के एक्ट के तहत ही की गई थी, ठीक है। तो देखिए, इतनी चीज़ें जो हैं वो इस एक्ट में हुई, इस 1813 के एक्ट में कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। लेकिन चीन और चाय का व्यापार जो है वो फिर भी कंपनी के एक अधिकार में ही था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई, और शिक्षा के लिए जो है वो 1,00,000 रुपये खर्च की अनुमति भी इस चार्टर के तहत दी गई। इसके बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट चार्टर है वो है 1833 का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं क्या है वो।
ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी मैं एक्ट हैं वो सब आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, लेकिन जितना भी है तो इससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर। देखिए, इनको हम अभी चार्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 1857 के बाद 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद में आप जानते हैं 1858 का एक अधिनियम आया, और जो 1818 का ये एक अधिनियम था, इस अधिनियम की खास बात ये थी कि पहले जो नियंत्रण था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर वो आपका कंपनी का होता था, और कंपनी को इंग्लैंड में कंट्रोल करने वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। लेकिन 57 के बाद क्या हुआ था, आपका समस्त राजनीतिक शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, तो जिसके चलते वो बाद में जितने भी अधिनियम आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, तो उन्हें हम विशेषकर अधिनियम के नाम से ही जानते हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम, तो इस तरीके से उनको हम अधिनियम कहते हैं। उससे पहले वालों को जो कहा जाता है वो आपका चार्टर ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं 1833 का चार्टर क्या था, इम्पोर्टेंट इसके बारे में समझते हैं। मैं आपसे बता दूँ, 1833 का जो चार्टर था वो एक ऐसा चार्टर था जिसने भारत में एक केंद्रीकरण व्यवस्था लागू करने की बात करी। मैं साफ साफ कहूँगा कि इसमें केंद्रीकरण करने की बात थी। क्यों थी केंद्रीकरण करने की बात, वो इसलिए थी क्योंकि देखिए, आप जानते थे कि स्थिति क्या थी कि मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी, बंबई एक प्रेसिडेंसी थी और बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी। बंगाल की प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, और ये जानते हैं आप, ऐसा हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उससे पहले तो सभी जगह प्रेसिडेंसियों में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था बंगाल का। लेकिन हुआ क्या, 1833 के इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन यह किया गया कि इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे बोला जाने लगा कि वो कौन होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब सोचिए, शक्ति का कितना विस्तार हो चुका है, गवर्नर जनरल होगा भारत का। तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी शक्ति का प्रसार अब पूरे भारत पर हो गया था। अर्थात अब ये गवर्नर जनरल अगर विधि का निर्माण करेगा, कानून का निर्माण करेगा, तो ऐसे में ये कानून केवल बंगाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे कहाँ तक सीमित कर दिया गया, पूरे भारत तक सीमित कर दिया गया। आप सोचिए, अगर ये भारत का गवर्नर जनरल होगा तो इस कंडीशन में अब मद्रास के लिए या फिर बंबई के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस 1833 के एक्ट के द्वारा जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो ऐसे में जो मद्रास की गवर्नर थे और जो बंबई के गवर्नर थे, उनकी शक्तियाँ कुछ हद तक कम हो गई। अर्थात इनसे विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति ले ली गई, और ये विधि या कानून बनाने की शक्ति अब किसके पास आ गई, भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बातें हैं वो ये थी कि देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि स्थिति ये चल रही थी कि कंपनी दो जगह काम कर रही थी, एक तो भारत में काम कर रही थी और एक दूसरी इंग्लैंड में काम कर रही थी। इंग्लैंड में पहले तो केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, पहले तो केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रक मंडल कहते थे। आप जानते थे कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो ये नियंत्रक मंडल बनाया गया था, इसका नियंत्रण था राजनीतिक दशाओं पर, अर्थात भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो भी होगी उस पर नियंत्रण कौन रखता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो बाकी की गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां, उन पर नियंत्रण था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो अब क्या कहा गया 1833 के चार्टर के द्वारा, ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, और इसका ये पूरे भारत के लिए विधियों का निर्माण करेगा, यानी जो मद्रास और बंबई में वहाँ के गवर्नर और उनकी परिषद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता था, अब वो शक्ति किसके पास आ गई, भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई।
क्या ये संप्रभु है, यानी ये किसी भी हद तक विधि या कानून का निर्माण कर सकता है? नहीं। मैंने क्या बताया, क्योंकि ये एक इसका जो अथॉरिटी मिली है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी मिली है, मतलब ये कानून का निर्माण कर सकता है पूरे भारत के लिए। ये राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक व्यवस्था पे कंट्रोल किसका होता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होता। तो ऐसे में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जिस विधि का निर्माण करेगा, गवर्नर जनरल जो विधि बनाएगी उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना रिव्यू कर सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो इसको अस्वीकृत कर सकता है, अर्थात समाप्त कर सकता है और इसके ऊपर कोई अपना कानून बना सकता है। तो 1833 के एक्ट की ये एक विशेष बात थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन फिर से मैंने कहा कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई विधि थी वो किसके नियंत्रण में थी, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो कहाँ पर था, इंग्लैंड में था। इसके अलावा ये तो एक पहली बात थी जो इस एक्ट के द्वारा हुई। एक दूसरी बात जो इसके एक्ट के द्वारा थी वो क्या थी, वो समझिएगा। मैं आपसे बता दूं कि आपको पता है कि गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद की बात की गई थी और आगे चल के 1884 में आप जानते हैं कि सबसे पहले जब 1884 कह रहा हूँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई थी, 4 सदस्यीय परिषद। लेकिन 1784 के प्रिट्स इंडिया एक्ट में उसकी इस परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया, 4 से 3 कर दिए गए। अब ये आगे चल करके ऐसी रही बात, 1833 के एक्ट में ये बात कही गई कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है अब उस परिषद में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, मतलब 3 के अलावा और एक हो जाएगा, चौथा और बढ़ेगा, और जो चौथा सदस्य होगा ये कैसा सदस्य होगा, एक विधि सदस्य होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से या किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य बढ़ाया गया। तो ये था आपका 1833 का एक्ट। अच्छा एक बात और, ये जो विधि सदस्य था ये एक पूर्ण सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये बैठक में भाग ले सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन इसे मतदान करने का अधिकार नहीं था, अर्थात ये मतदान नहीं कर सकता था। तो मतदान का अधिकार इसके पास नहीं था इस परिषद में, इसके कारण से मैं इसे पूर्ण सदस्य नहीं मान सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी इसमें वो ये थी कि पुनः गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक जो अगली बात है वो ये कि इसमें यह भी बात की गई, इस वाले एक्ट में एक बात यह भी की गई कि विधि को संहिताबद्ध करने के लिए, अर्थात जो कानून है कानून को संहिताबद्ध करने के लिए गवर्नर जनरल एक विधि आयोग का गठन करेगा। मतलब कि इसके तहत ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल एक विधि आयोग बनाएगा और ऐसा बनाया भी गया। देखिए इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिक। तो मैं बता दूं विलियम बेंटिक के समय ही ये एक्ट आया था और विलियम बेंटिक ही फिर इस प्रकार से भारत का बनने वाला सबसे पहला गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक ने 1834 में, अर्थात इस एक्ट के नेक्स्ट ईयर ही 1834 में एक विधि आयोग बनाया। और आप जानते हैं कि ये विधि आयोग जो बना था ये किसकी अध्यक्षता में बना था, मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में विधि आयोग के गठन की बात की गई थी। तो 1833 के इस एक्ट में विधि को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग के गठन की बात की गई थी और विलियम बेंटिक के द्वारा ऐसा किया भी गया। ये एक 4 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। ठीक है, एक ये कार्य किया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा जो चौथी चीज़ इसमें और एक इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि इसमें ये बात और कही गई कि किसी सरकारी नौकरियों में, जो सरकारी नौकरी होंगी या मैं कहूँ जो सरकारी पद होंगे, सरकारी पदों में किसी भी व्यक्ति को, जो सरकारी पद होंगे उसमें किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, ये मतलब धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या रंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर इन आधारों पर उसे अयोग्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि किस एक्ट में ये कहा गया था कि सरकारी पदों पर, सरकारी जो पद होंगे उन सरकारी पदों पर धर्म, मूल वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं किया जाएगा। ये बात भी 1833 के एक्ट में बात की गई थी। इसके अलावा एक बात और कहा गया था इस एक्ट में, इस एक्ट में दास प्रथा को, जो दास प्रथा होती है, दास प्रथा को विधि के विरुद्ध माना गया। तो दास प्रथा को समाप्त करने की बात भी इस एक्ट में की गई थी और यही हुआ कि आगे चल करके
लगभग 1843 में इस एक्ट के आने के 10 साल बाद दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक के समय हुई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लेकिन दास प्रथा जो समाप्त हुई है वो आगे चल के 1843 में समाप्त हुई है। लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने की जो बात की गई थी वो इसी में की गई थी, अर्थात 1843 के इस एक्ट में ही की गई थी। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, ठीक है। तो 1833 के एक्ट में ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1813 का चार्टर हो गया। हमने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी पढ़ा था, 1833 का चार्टर हो गया। इसके बाद में जो अगला है वो है आपका 1853 का अधिनियम, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है एक जो है 1853 का एक्ट। देखिए 1853 के एक्ट में क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 1853 के एक्ट में कुछ प्रमुख चीज की गई, पहले मैं आपसे बता देता हूँ। देखिए इस बात को थोड़ा सा शुरू से जानिए और जितनी बार आप उसको सुनेंगे उतनी ही चीजें आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि कंपनी के कुछ प्रमुख कार्य थे। सबसे पहले तो आपसे मैंने बताया था कंपनी दो जगह काम कर रही थी, एक तो काम कर रही थी कंपनी इंग्लैंड में और दूसरा काम कर रही थी कंपनी भारत में। इंग्लैंड में कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए वहां पर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जिसका नाम था निदेशक मंडल, निदेशक मंडल 24 सदस्य होते थे इस निदेशक मंडल में, तो ये इसका नाम था निदेशक मंडल, एक ये था, ठीक है। और उसके बाद में एक और आता है पिट्स इंडिया एक्ट से, ध्यान रखना मैं लिख दे रहा हूँ, पिट्स एक्ट के द्वारा एक और आ जाता है और वो आ जाता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या मैं कहूँ नियंत्रक मंडल। तो ये दोनों इंग्लैंड में काम कर रहे थे। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में किस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी, भारत में ये थी कि 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का एक गवर्नर जनरल बन चुका था जो पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करता था, पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करता था अपनी परिषद के द्वारा। साथ ही साथ इस पर इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक रिव्यू था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर जनरल उसकी परिषद के द्वारा बनाई गई विधि को अस्वीकृत कर सकती थी और उसके ऊपर कोई नई विधि बना सकती थी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही थी। अब एक बड़ा काम किया गया, वो काम ये किया गया कि ये जो कार्य चल रहा था अर्थात राजनीतिक कार्य, इनमें भी प्रशासनिक गतिविधियों को और विधिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया। मतलब पहले क्या था, प्रशासन का काम और विधि बनाने का काम, ये दोनों काम कौन कर रहे थे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कर रही थी, यानी उसकी कार्यकारिणी, जिसमें कितने लोग थे, चार लोग थे। रेगुलेटरी एक्ट के समय चार थे, पिट्स इंडिया से तीन कर दिए गए और आगे चल के दोबारा 1833 के एक्ट के द्वारा इसमें एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में बढ़ा दिया गया। अच्छा, एक बड़ी बात और थी, मैं बता दूं कि जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य, इस अधिनियम के द्वारा उस विधि सदस्य को भी क्या कर दिया गया, जो चौथा सदस्य था उस चौथे सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो मैं बता दूं चौथा सदस्य को पूर्ण सदस्य जो बनाया गया था वो भी इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या की गई, वो ये थी गवर्नर जनरल अपनी जो कार्यकारिणी थी चार सदस्यों वाली उसके तहत दोनों काम कर रहा था, प्रशासन का भी काम और विधि का भी काम। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो 1853 का ये एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा इन दोनों कामों को अलग कर दिया गया, प्रशासन के कार्य को, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग कर दिया गया और कानून बनाने का काम अलग कर दिया गया। और ये किया कैसे कैसे, इसको बात को समझिएगा। इसके लिए बोला कि विधि बनाने के लिए अलग से एक परिषद होगी, मतलब एक अलग से परिषद होगी, परिषद, और इसका नाम रखा गया विधान परिषद। हालांकि अभी हम बात करते हैं तो अभी आप जानते हैं विधान परिषद राज्य में होती है, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में विधान परिषद है।
तो लेकिन ये राज्यों की विधान परिषद की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं केंद्र में, अर्थात ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बनाई गई एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो विधान परिषद होगी इसमें कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य होंगे। आप सोचिए 1853 के इस एक्ट के द्वारा दो चीज़ों को अलग कर दिया गया, प्रशासन को और विधि को। देखिए स्थिति क्या होती है, अगर अभी हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो आप जानते हैं हमारी पूरी की पूरी लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है और जो कार्यपालिका है वो प्रशासन, मतलब प्रशासन करती है, उसको लागू करती है। वो दो प्रकार की होती है, स्थाई और अस्थाई। स्थाई में IAS ऑफिसर आ जाते हैं, लोक सेवक आ जाते हैं, और अस्थाई में आपका मंत्री आ जाते हैं। तो ये जो प्रशासन का काम है ये गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी कर रही थी, और पहले विधि बनाने का काम भी गवर्नर जनरल को अधिकार मिल चुका था पूरा, जो भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1853 के एक्ट ही इसलिए लाया गया जिससे 1833 की कमियों को दूर किया जा सके, और इसके लिए इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्यों को, विधिक कार्यों को। और विधि के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम रखा गया विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें बोला गया इसमें कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। बात यह है कि ये 12 सदस्य आएंगे कहां से, तो इसके लिए बोला गया कि ये जो होंगे ये प्रांतों के प्रतिनिधित्व होंगे, प्रांत के प्रतिनिधित्व होंगे, अर्थात ये प्रांतों से, जो भी भारत में प्रांत हैं उन प्रांतों से चुन करके ये लोग आएंगे। मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि पहली बार ये वो अधिनियम है जिसमें पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया है, पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 1853 के एक्ट की एक प्रमुख बात थी जो की गई। और आगे जब हम बात करेंगे तो कंटिन्यू, जैसी विधान परिषद का निर्माण केंद्र में हुआ वैसी ही परिषद का निर्माण प्रांतों में हुआ, और आगे चल करके भारतीयों की जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि हमें इन परिषदों में हमारी संख्या बढ़ाई जाए, हमारा प्रतिनिधित्व इनमें बढ़ाया जाए। तो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से भारतीयों को इसमें प्रवेश कराया गया, और कौन कौन भारतीयों ने शुरू में प्रवेश किया, और कैसे कैसे फिर संख्या बढ़ाई गई, उसी पर हम आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल 1853 के एक्ट से एक प्रमुख काम यह किया गया, और एक और बताया था मैंने आपको कि जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य, उसको एक परमानेंट मेंबर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बना दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक काम और किया गया था कि निदेशक मंडल के जो सदस्य थे 24 सदस्य, उनकी संख्या घटा दी गई थी, घटा करके 18 कर दी गई थी, बट वो आपके काम का नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1853 के एक्ट की एक प्रमुख बात और है, वो क्या है कि अभी तक जो भी सरकारी कर्मचारी होते थे, या मैं कहूँ जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, वो सब कैसे थे, नामांकित होते थे। मतलब एक तरीके से नामांकित का मतलब है कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, कोई एग्जाम, कोई प्रतिस्पर्धा परीक्षा नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं होता था, उनको ऐसे ही नामांकित कर लिया जाता था। लेकिन इस 1853 के एक्ट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले खुली प्रतिस्पर्धा सर कंपनी के कर्मचारियों को चुनने के लिए जो शुरू की गई, वो किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई, 1853 के एक्ट से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कब हुई, 1853 के एक्ट के द्वारा हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तक जो मैंने आपसे बात करी है, एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट पे, 1813 के चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का एक्ट, ये सब वो चार्टर हैं, या मैं कहूँ वो एक्ट हैं जो तब आए हैं जिस समय भारत की पूरी स्थिति पर कंपनी का अधिकार था। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई, 1857 का विप्लव हुआ, और उस 1857 की क्रांति के बाद में पूरे का पूरी भारत की व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो उसके समय अब कौन कौन से अधिनियम आए हैं, तो जैसे 1858 का हुआ, 1861 का हुआ, 1892 का हुआ, 1909 का हुआ, 1919 का हुआ, और आपका 1935 का हुआ। तो अब मैं वो आपसे और चर्चा करनी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ
कि इसको मैं दो पार्ट में कर दूं, एक पार्ट आपका यहाँ तक और इसके बाद जो अगले अधिनियम है वो आपको मैं दूसरी वीडियो में दे दूं, जिससे कि आप आसानी से छोटी छोटी वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो इन अधिनियम से अगले अधिनियम जो है वो मैं इसके भाग दो में दूंगा। ठीक है, तो ओके, और फिर से मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ आपका कमेंट भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना तो भूल नहीं मत।